बातें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी, बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं, 30-40 लोग वहाँ मौजूद थे। नहीं, नहीं, जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, बिल्कुल। और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था जी। मैडम ये पहली भी सीटीआई को इमरान खान को इस खैबर पख्तूनख्वा ने सपोर्ट दिए और अपनी जान की कुर्बानी लगाकर। पठान हमेशा गैरतमंद रहे हैं और उन्होंने हमेशा सबूत दिया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ये साबित करेंगे कि पीटीआई के साथ और खान साहब के साथ। मैं आई थी खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान ने कहा था कि उनके पास जाना है बहुत जरूरी। थैंक यू मैडम।